हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑन नेट झारखंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज है तीस जनवरी 2021 और 30 जनवरी 2021 से झारखंड करेंट अफेयर्स के जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके आगामी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखा कीजिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिटेल्स में डिस्कस किए हैं और वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा लेटेस्ट अपडेट जो भी न्यू अपडेट आएगी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी डेली मॉर्निंग पाँच बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण वीडियो आती है डेली बेसिस पे तो आप इसे ज़रूर से देखा कीजिए इसके साथ ही वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाएंगे सारी वीडियो की पी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है चलिए आज के झारखंड करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं सबसे पहला प्रश्न है हाल ही में जारी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट दो के मुताबिक झारखंड में कितनी फीसदी महिला जजों की हिस्सेदारी है तो जो है अभी हाल ही में इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है और इसके मुताबिक झारखंड में बारह दशमलव एक प्रतिशत कितनी बारह दशमलव एक प्रतिशत जो है महिला जजों की हिस्सेदारी है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट में महिला जजों की हिस्सेदारी औसतन ग्यारह प्रतिशत से बढ़कर तेरह प्रतिशत हो गई जबकि अधीनस्थ अदालतों में यह अट्ठाईस प्रतिशत से बढ़कर तीस प्रतिशत हो गई है रिपोर्ट के अनुसार अधीनस्थ अदालतों में तेलंगाना में महिला जजों की हिस्सेदारी सबसे अधिक फोर्टी सिक्स पॉइंट टू परसेंट है जबकि झारखंड में सबसे कम बारह दशमलव एक प्रतिशत है ठीक है बारह दशमलव एक प्रतिशत झारखंड में जो कि सबसे कम है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में नासा के वैज्ञानिक द्वारा स्टीम इन क्लासरूम के तहत किस जिले के शिक्षकों को प्रशिक्षण दी जाएगी तो स्टीम इन क्लासरूम के तहत झारखंड के गुमला और पलामू इन दो जिलों के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दी जाएगी तो यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर होगा दैट इज एम बी दोनों ठीक है गुमला और पलामू इन दोनों जिलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं हाल ही में नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर मूर्ति गुड़ीपति द्वारा झारखंड के गुमला और पलामू के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को स्टीम इन क्लासरूम के तहत प्रशिक्षण दी जाएगी झारखंड के सरकारी स्कूलों और यहाँ के शिक्षकों के बीच साइंटिफिक थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग व क्रिएटिविटी लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों दार्शनिकों एवं शिक्षाविदों से रूबरू करा रही है ठीक है झारखंड के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए यह पहल की जा रही है चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हाल ही में इसको गुफा में मेले का आयोजन किया गया झारखंड के किस जिले में लगने वाला मेला है इसको गुफा इंपॉर्टेंट है याद रखा किस इसको गुफा जो है झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है और यहाँ पे जो है अभी हाल ही में मेले का आयोजन किया गया तो यहाँ पे इस प्रश्न के लिए जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इसको गुफा हजारीबाग जिले में स्थित है और यहाँ पे हाल ही में मेले का आयोजन किया गया चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देख लेते हैं झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गाँव प्रखंड अंतर्गत नापो खुर्द पंचायत में स्थित इसको गुफा के पास मेले का आयोजन किया गया यहाँ पाषाण काल के विशाल गुफा एवं हजारों शैल चित्रों को लोगों ने देखा इसका आयोजन पिछले पच्चीस वर्षों से किया जा रहा है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यह पिछले कितने वर्षों से आयोजित की जा रही है तो पिछले पच्चीस वर्षों से यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता रहा है इसके अलावा यहाँ पे पाषाण काल के विशाल गुफा एवं हजारों शैल चित्रों को देखा जा सकता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में बारहवीं झारखंड स्टेट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी बारहवीं झारखंड स्टेट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप यह आयोजित की जाएगी देवघर जिले में तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दैट इज देवघर तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देख लेते हैं झारखंड की बाबा नगरी देवघर में आगामी 31 जनवरी 2021 को बारहवीं झारखंड स्टेट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा झारखंड एथलेटिक्स संघ एवं देवघर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में इस चैंपियनशिप का आयोजन देवघर स्थित के के एन स्टेडियम में किया जाएगा ठीक है तो इस प्रश्न से संबंधित हम लोग यहाँ पे इन पॉइंट्स को याद रखा करेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मासिक पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी मासिक पेंशन योजना अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसके तहत बुजुर्गों को वन थाउजेंड रुपीज यानी एक हज़ार रुपये प्रदान किए जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा दैट इज एक हजार रुपए चलिए यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स को हम लोग यहाँ में देखते हैं राज्य सरकार द्वारा सभी बुजुर्गों के लिए मासिक पेंशन योजना शुरू की जा रही है इसके तहत राज्य सरकार अपने स्तर से सभी बुजुर्गों को एक हजार रुपये प्रदान करेगी चलिए अगला प्रश्न देखते हैं राज्य के किसानों के फसल नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति हेतु मुख्यमंत्री ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है तो किसानों के फसल नष्ट होने पर उसकी क्षतिपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री ने एक योजना लॉन्च की है झारखंड राज्य फसल राहत योजना यह योजना लॉन्च की है किसानों के फसल नष्ट होने पर उसकी क्षतिपूर्ति को लेकर तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा दैट इज झारखंड राज्य फसल राहत योजना लॉन्च की गई है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देख लेते हैं किसानों के फसल नष्ट होने पर अब इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से क्षतिपूर्ति देकर भरपाई नहीं की जाएगी बल्कि सरकार सीधे खुद किसानों की नष्ट हुई फसल क्षतिपूर्ति करेगी इसके लिए 100 करोड़ राशि का बजट निर्धारित किया गया है ठीक है इम्पोर्टेंट है कितनी राशि का यहाँ पे बजट का प्रावधान है तो 100 करोड़ की राशि का बजट यहाँ पे निर्धारित की गई है इसके लिए और मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत तीन करोड़ और झारखंड राज्य फसल राहत कोष के लिए 100 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में गुंगी रुलाई नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है गुंगी रुलाई एक उपन्यास है और इसके लेखक हैं रणेंद्र जी ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा दैट इज रणेंद्र गुंगी रुलाई नामक उपन्यास के लेखक हैं चलिए यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं साहित्यकार रणेंद्र को 31 जनवरी को एक समारोह में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान 2020 दिया जाएगा एवं साथ ही उनके लिखित उपन्यास गुंगी रुलाई का कोरस का लोकार्पण भी होगा तो उनके द्वारा गुंगी रुलाई उपन्यास लिखी गई है और इनके कोरस का जो है लोकार्पण किया जाएगा इस दौरान उन्हें श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान दो से भी नवाजा जाएगा ठीक है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आज का आंसर ऑफ द डे है प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन ऑफ़ द डे में पूछा गया था तो यहाँ पे हम लोग आंसर को डिटेल्स में देख लेते हैं क्वेश्चन है हाल ही में झारखंड के किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्थाई भवन का निर्माण किया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्थाई भवन का निर्माण झारखंड की राजधानी रांची में की जा रही है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है रांची में इस भवन का जो है निर्माण किया जा रहा है तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं रांची के कांके के सांगा गांव में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईटी को अपना स्थाई भवन मिलेगा यहाँ पे जो है इसके स्थाई भवन का निर्माण किया जा रहा है छियासठ एकड़ में कुल एक करोड़ रुपये की लागत से इस भवन का निर्माण किया जाएगा इस संस्थान के संचालन में पचास फीसद हिस्सेदारी भारत सरकार पैंतीस फीसद राज्य सरकार पाँच फीसद सी सी एल पाँच फीसद टी सी एस और पाँच फीसद टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की होगी तो इसमें जो है हिस्सेदारी झारखंड सरकार की पैंतीस प्रतिशत होगी इसको आप विशेष तौर पे याद रखिएगा ठीक है पचास प्रतिशत भारत सरकार की यानी केंद्र सरकार की पचास प्रतिशत इसमें हिस्सेदारी होगी और पैंतीस प्रतिशत राज्य सरकार की इसमें हिस्सेदारी होगी चलिए अब हम लोग अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन ऑफ़ द डे है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है तो क्वेश्चन है हाल ही में ग्लोबल टॉक एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा किसे इफेक्टिव ग्लोबल लीडर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया यह पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर सरिता सिन्हा डॉक्टर मनीषा तिवारी डॉक्टर अरुणिमा अग्रवाल या डॉक्टर प्रेमलता सेन तो इन चारों ऑप्शन में से आप प्रयास कीजिएगा सही आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकें तो फ्रेंड्स ये था आज के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि यहाँ पे सभी को एक साथ मिलकर झारखंड करंट अफेयर्स को देख सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच हैव अ